मान्यवर, आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेज पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइड फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। और आप सभी जो दिग्गज भी ये महसूस करते हैं कि ये प्रयास असामान्य है, सामान्य नहीं है, बीते दशकों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हमें दिखती थी, जो भी समस्याएं हमको लगती थी, उनको दूर करने के लिए विस्तार से इस पॉलिसी में चर्चा की गई है। अब जैसे लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले परिवार और समाज के दबाव तले दिनों दिन दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज वही है जो हमारे माइंड को लिबरेट करें। जब फाउंडेशनल स्टेज पर ही बच्चों को उनके कल्चर, भाषा, परंपरा से जोड़ा जाएगा तो शिक्षा अपने आप ही प्रभावी होगी, सहज होगी और बाल मन उससे खुद को जुड़ा हुआ पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। जैसे स्ट्रीम्स को लेकर जो बच्चों पर दबाव रहता था वो अब हटा दिया गया है। अब हमारे युवा अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। वरना पहले होता यह था कि दबाव के कारण विद्यार्थी अपनी क्षमता के बाहर की कोई और ही स्ट्रीम चुन लेते थे और जब तक उनको रियलाइज होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। परिणाम यह होता था कि या तो विद्यार्थी थक हार कर
ड्रॉप कर लेता था या फिर जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था, समय बिताता था। इससे किस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में पैदा होती रही हैं, ये कितनी समस्याओं की जड़ है, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी समस्याओं का समाधान तो है ही। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी छात्रों को बहुत लाभ होगा।